क्या आप भी टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि लोग आज पूछ रहे हैं कि क्या टेलीग्राम बहुत जल्द बंद हो जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि टेलीग्राम के मालिक को फ्रांस की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर कई तरह के आरोप हैं कि उन्होंने आपत्तिजनक कंटेंट को इस ऐप से हटाया नहीं। टेलीग्राम पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। भारत की अगर बात करें, भारत में ज्यादातर परीक्षाओं के जो क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं सब टेलीग्राम पर ही होते हैं। आतंकवादी भी टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी देखें तो वो भी सबसे ज्यादा इसी ऐप यानी टेलीग्राम पर होता है। तो क्या टेलीग्राम को बंद कर देना चाहिए? लेकिन टेलीग्राम ऐप रशिया का है, टिकटॉक चाइना का है, इन दोनों के ऊपर एक्शन होता है लेकिन व्हाट्सएप पर नहीं होता, फेसबुक पर नहीं होता और गूगल पर नहीं होता, बाकी जितने भी ऐप्स अगर आप देखेंगे उन पर नहीं होता। ऐसा क्यों, आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको कोलकाता लेकर चलेंगे। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने, उनकी पुलिस ने आज प्रदर्शनकारी युवा डॉक्टर्स पर बल प्रयोग किया है, और ये किसी भी देश के लिए या राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है कि वहां के युवाओं को इस तरीके से रोका जाए, उनकी भावनाओं को इस तरीके से दबाया जाए, जबकि वो अपने लिए ना नौकरी मांग रहे हैं, ना अपने लिए कोई आरक्षण मांग रहे हैं, ना कोई और चीज ऐसी मांग रहे हैं बहुत बड़ी, वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो भी उस महिला डॉक्टर के लिए जिसका बलात्कार हुआ और जिसका रेप के बाद मर्डर कर दिया गया। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति अगर आप देखें तो जमीन से जुड़ी हुई रही है, उन्होंने सारी राजनीति सड़क पर की है, लेकिन वो खुद सूती साड़ी पहनती हैं, हवाई चप्पल पहनती हैं, छोटी गाड़ी में चलती हैं, आम लोगों की तरह रहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 13 साल से जो सत्ता की मीनार पर वो जिस सिंहासन पर बैठी हैं, अब वहां से आम जनता का दुख दर्द दिखना और महसूस होना शायद बंद हो गया है। क्या ममता बनर्जी आम जनता से बहुत दूर जा चुकी हैं? क्या वो इतनी ऊपर सत्ता की मीनार पर बैठी हैं कि अब उन्हें आम जनता वहां से दिखाई नहीं दे रही? आज इस पर चर्चा करेंगे। और आखिर में, अगर आप भी अपने शहर में ई रिक्शाओं से परेशान हैं, आपको भी लगता है कि आपके शहर में, आपके मोहल्ले में ई रिक्शा वाले इल्लीगल पार्किंग और चार्जिंग का रैकेट चला कर रख रहे हैं, उन्होंने आपके हिस्से की सारी सड़कों को घेर कर रख लिया है, तो फिर आज हमारी मुहिम ऐसे ही ई रिक्शा वालों के खिलाफ है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में, आज तक पर।